नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो रुखसार बिटिया को चांद सा बेटा होगा। नवाब साहब, मुबारक हो नवाब साहब। हाँ हाँ बोलो। रुखसार मैडम को बेटा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये लो बेटी, ये तेरा इनाम है। जी नहीं। ले लो बेटी, तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया। मुबारक हो नवाब साहब। आपको भी। असलम बेटे, बहुत बहुत मुबारक। अल्ताफ अहमद साहब, मुबारकबाद तो उन्हें दी जाती है जिन्हें सुनकर खुशी होती है। इन्हें तो सिर्फ इत्तला देनी है कि हमारी बहू रुखसार ने अभी अभी हमारी हवेली के वारिस को जन्म दिया है। रुक जाओ, आज हम परदादा बने हैं। ये लो, सारे अस्पताल में मिठाइयां बांट दो। सिस्टर, ये लो, ये लो, सब बच्चों में मिठाइयां बांट दो। बाकी का ये रुपया गरीबों में खैरात कर दो। बेवाओं की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। हमारे पोते की जिंदगी का सदका दे आओ। जाओ ले जाओ। अरे नवाब साहब ने पूरा ब्रीफकेस खाली कर दिया। दो कौड़ी की नर्स को 20,000 रुपए दे दिए, डॉक्टर को सोने की घड़ी दे दी, जैसे बाप का माल है। अरे ये सारी दौलत तो तेरी होने वाली औलाद की है और लुटाई जा रही है दुश्मनों की औलाद के सदके। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी भांजी को बेटा ही पैदा होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, फिर यहाँ कोई बच्चा वच्चा पैदा नहीं होगा। आप पागल तो नहीं है? क्या दिमाग चेक करवा के आइए। क्यों, मेरे दिमाग में कोई खलल है क्या? खलल? मुझे तो लगता है कोई दिमाग ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बगैर दिमाग के जी रहा हूँ। अजी साहब, बेटा या बेटी पैदा करना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ऊपर वाले के हाथ में है, इसका मतलब है कि साइंस ने कोई तरक्की वरक्की नहीं की। झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, अरे झूम रे नाना झूम। जीत रहो बेटी, जीत रहो। चांद सा बेटा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो दादा हुजूर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सिस्टर। सिस्टर जी, वो कमरा नंबर 219 में जो मैडम है, उन्हें कोई बच्चा हुआ? हाँ मैडम, कल रात 2:30 बजे उन्हें लड़का पैदा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। तुम मेरा एक काम करोगी? जी कहिए। उन्हें मेरी तरफ से एक फूलों का गुलदस्ता दे आना और कहना रुखसार ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। और हाँ, ये भी पूछना कि मैं उनके बेटे को कब देखने आ सकती हूँ। जी अच्छा। अरे ठहरो 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 भाई ठहरो, ये बाकी चलिए कहाँ घुसी चली आ रही हूँ? किसने भेजा ये? रूम नंबर 214 की मैडम रुखसार ने भेजा है, नगमा मैडम के लिए भेजा है और बच्चे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने पूछा है वो बच्चे को देखने कब आ सकती हैं। हाँ तो मुझे दे दो जी। और तुम जाओ। मामू जान, फूलों को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? रख दीजिए कोने में। अरे ये औरतों की जलन बड़ी जहरीली होती है, कुछ भी हो सकता है। इन फूलों में जहरीले सांप हो सकते हैं, बम हो सकता है, कोई काला जादू टोना हो सकता है। हाय अल्लाह, किसी ने मेरी चचाजात बहन के कमरे में जादू टोना करके गुलाब के फूल भेज दिए थे। अगले दिन मेरी बहन का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। दुश्मन दुश्मन ही होता है नगमा बेटी, वो दुश्मनी का वार किए बिना नहीं चूकता। बेहतर यही होगा कि मैं ये फूल बांट दे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ।
खबरदार, रिश्ते की डोर जो टूट चुकी है उसे फूलों के जरिए कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब दूरियां नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो कभी आपस में नहीं मिल सकती। औरत की आंखों में वो तपिश होती है जो हजारों नदियों को सुखाकर जमीन बना सकती है। जब नदी ही नहीं रहेगी तो किनारे भी नहीं रहेंगे। तुम चाहे नदी सुखा दो या समुंदर, पर इतना अच्छी तरह से जान लो कि अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारी औलाद को जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अगर चाहूं तो शरीयत के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से सारी जायदाद में अपने बेटे का आधा हिस्सा आज भी मांग सकती हूं। मगर मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि नगमा का बेटा भी मेरा ही बेटा है। ऐसी हजारों जायदाद उस पर कुर्बान है। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए। जैसा तुमने कहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो याद रखना, अजगर है नाम मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूं। रुखसार बेटे। दादा हुजूर, आपकी छोटी बहू नगमा को भी बेटा हुआ है। दादा हुजूर, अब एक बार जाकर नगमा के बेटे को गले लगा लीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नहीं बेटी, ये हमसे नहीं हो सकेगा। दादा हुजूर, हमारी हवेली में औलाद नाम की पहली खुशी वही मासूम लेकर आया था। शायद उसी के मुबारक कदमों से हमें औलाद की दूसरी खुशी देखना नसीब हुई है। लेकिन रुखसार। दादा हुजूर, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, उस बच्चे के लिए भी खैरात कीजिए, उसकी जिंदगी का भी सदका कीजिए। रुखसार। दादा हुजूर, जिस तरह आपने मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ की है, उसी तरह नगमा के बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। लेकिन तुम समझने की कोशिश। दादा हुजूर, जाइए, मेरी खातिर जाइए दादा हुजूर। रुखसार बेटी, फरिश्तों को देखने की हमारी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि अल्लाह मियां ने हमारी तमन्ना पूरी कर दी। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे असलम की खातिर। झूठ रे दादा, झूठ, झूठ। अच्छा नगमा, तुम घर जाओ, मुन्ना अकेला है जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मेरी जान, मैंने भी सारा माल लपेट कर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया है। अब बस थोड़े ही दिनों में नवाब के सारे खानदान को तबाही का लिबास बनाकर हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। दीपक नगमा तो नहीं आ रही है? अजगर नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं हूँ, निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ। ये मुन्ना क्यों रो रहा है मामू जान? रो मत बेटा, रो मत। अरे बेटी, असली सोने के पाले में झूल तो रहा है मगर अपनी तकदीर का रो रहा है। अरे ये ऊंची हवेली के खानदान का खून है, इस छोटे से घर में बेचारे का दम घुटता होगा। ये मासूम कुछ कह तो सकता नहीं, रोकर ही अपना दुखड़ा सुना रहा है। नगमा की जान के दुश्मन और उसका बेटा तो वहाँ हवेली में ऐश कर रहे हैं, जबकि सारी जायदाद और उस हवेली का असली हकदार तो नगमा का मुन्ना है। इसे इसका हक क्यों नहीं दिलवा देते आप? अरे ये काम तो नगमा बिटिया के एक ही इशारे में हो सकता है। मेरे इशारे में? हाँ, मगर कैसे? बिटिया, तू मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, फिर देख, तीन ही दिनों में मैं तुझे उस हवेली की मालिका बना दूंगा और इस मुन्ने को वहाँ का शहजादा। अरे निकाल फेंकूंगा उस बुड्ढे को, रुखसार को और उसकी औलाद को। रुखसार, तूने मेरी मोहब्बत और दोस्ती देखी है, अब मेरी नफरत और दुश्मनी भी देख। अब देख मैं कैसे नंबर वन बनकर दिखाती हूँ। नगमा बेटी जी, असलम मियां लंदन से वापस कब लौट रहे हैं? उन्हें लंदन से जर्मनी भी जाना है, करीब 10 दिन लग जाएंगे। बेटी ये काम असलम के आने से पहले हो जाना चाहिए, वरना वो जज्बात की दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा। ठीक है मामू जान, आप पावर ऑफ अटॉर्नी लाइए, मैं दस्तखत करती हूँ। अजगर है मेरा नाम, मैं दस्ता नहीं, निकल जाता हूँ। असलम देखो, हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। तुम्हारा दूसरा बेटा भी इतना ही प्यारा और खूबसूरत होगा, है ना? पता नहीं मुझे उसका चांद सा चेहरा देखना कब नसीब होगा। बेटे ये देखो, ये तुम्हारे पापा हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें कभी गलत मत समझना। एक दिन गमों के ये बादल भी छट जाएंगे, फिर खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारे बेडरूम में बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की तुमने? मैंने कहा था ना नवाब साहब, अजगर है मेरा नाम, और आज मैं आपकी हवेली, आपका बेडरूम, सब कुछ निकल गया हूँ। निकल जाओ यहाँ से। नीची 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 आवाज रखिए नवाब साहब। खामोश। मैं तेरी बोटी बोटी उड़ा दूंगा। नहीं दादा हुजूर, खुदा के लिए ऐसा गजब ना कीजिए। हट जाओ बेटी, बहुत हो चुका, आज ये नहीं या हम नहीं। आपको हमारी कसम दादा हुजूर, बंदूक फेंक दीजिए। वकील साहब बता दीजिए ने कि नगमा ने पावर ऑफ अटॉर्नी अब मुझे दे दी है, इसलिए अदालत के हुक्म से ये हवेली, ये बेडरूम, ये सारा कारोबार और जायदाद सब कुछ हमारा हो गया है। ये लीजिए कोर्ट के ऑर्डर्स। नवाब साहब, आप सबको अभी और इसी वक्त ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। दादा हुजूर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो सब परवरदिगार का खेल है। वैसे हमने सोचा था कि इस हवेली से हमारा जनाजा निकलेगा, लेकिन आज जिस हाल में हमें निकलना पड़ रहा है, ये भी एक जनाजा है, हमारी इज्जत का जनाजा। खैर खैर बेटी, मुन्ना को उठा ला।
झूम और अब्बा झूम। आजा मेरे पास। मेरी चांदे टोटे, अजगर नाम है मेरा। नहीं नहीं नहीं, नवाब अजगर खान साहब नाम है मेरा। क्या मियाँ, बोटियां तोड़ रहे, बिरयानियां हड़प रहे? अरे मियाँ, क्या किस्मत खुल गई ना आपकी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्या है ना बाबा, मेरे पास बिरयानी के पैसे खत्म हो गए, मेरे को भी खाना बोल के। अच्छा, तू फिर से पैसे मांगने आ गई है? अजी, मांगने को फकीर आते मियाँ, मैं तो मेरे सर्विस चार्ज वसूल करने आई जी। आखिर कब तक वसूल करती रहोगी ये सर्विस चार्ज है? क्या बाबा, मैं तो चुटकी भर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो दोनों हाथों से समेट रहे ना। ये लो, ले जाओ इसे और निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ, ऐसा ना को बोलो बाबा, मेरा दिमाग घूमे तो ऐसा चक्कर घुमाती कि जिंदगी भर जेल में चक्की का पाटा पीसते रहते ना। तुम नहीं जानते बाबा, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। ये पहली मुसीबत है जो अजगर को निकल रही है। अरे दादा हुजूर। आदाब दादा हुजूर। जीती रहो बेटी। आदाब काजी साहब। जीती रहो बेटी। आइए ना, तशरीफ रखिए। बेटी नगमा, आप सैयद काजी मोहम्मद अहमद साहब हैं। बेटी नगमा, हम शरीयत मोहम्मदी इस्लामी कानून के मुताल्लिक तुम्हें कुछ बताने आए हैं। जी फरमाइए। इस्लामी कानून में दोनों बीवियों और उनकी औलाद को दौलत और जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलता है। काजी साहब, मगर दादा हुजूर तो सब कुछ मेरी औलाद के नाम लिख चुके हैं। उस वक्त रुखसार से औलाद पैदा होने की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा अब रुखसार और उसका बेटा दौलत और जायदाद में उतना ही हकदार हैं जितना तुम और तुम्हारा बेटा। इसलिए रुखसार और उसके बेटे को दौलत और जायदाद में आधा हिस्सा देना होगा। जी बेटी, अगर तुमने ये हक देने से इनकार किया तो ये जान लो कि इस्लामी कानून की इज्जत हिंदुस्तान की हर अदालत करती है। यह हक अदालत के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। आप कागजात बनवा लीजिए काजी साहब, मैं दस्तखत कर दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए नवाब साहब, 2 दिन तक रुखसार का बच्चा जिंदा रहेगा तो उसे हिस्सा मिलेगा ना। ना बचेगा बच्चा और ना मिलेगा हिस्सा। ये बम उस सफेद गाड़ी में जाके लगा दो। जाओ। दादा हुजूर, आपकी घड़ी की दुकान आ गई। अरे क्या हो गया? नहीं मुन्ना, रोना नहीं। अरे नहीं। अरे भाई सलीम मियां। आदाब नवाब साहब, ये घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई है। जी मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं यार, रोते नहीं है बेटे। अब वो ये क्यों नहीं मानेगा, मैं इसके लिए खिलौने ले आती हूँ। हाँ बेटी। अरे बेटे, ये मम्मी खिलौना ला रही है अभी। ये वाला दिखाना। दादा
यस। मैं बोल रही मियाँ, वही बला जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। क्या बाबा, तुम्हें तो करोड़ रुपए आंटी में डाल लिए, मेरे को क्या दिए, संतरे के छिलटे। एक काम करो ना बाबा, मेरे को आज एक 5 लाख रुपए होना। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें 5 लाख रुपया चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करना कि आज रात को 9 बजे मुझे कब्रिस्तान में मिलना। कौन से कब्रिस्तान में? वही जिसमें रुखसार के अब्बा और उसके बच्चे को दफनाए सो। हाँ वही कब्रिस्तान। हाय। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम भी आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज देते हैं। रियली? चले चले। नगमा, तुम हमें इस हवेली में क्या लाई हो? यही वो प्लेजेंट सरप्राइज है असलम। दादा हुजूर और तुम चाहते थे ना कि हम अपने ससुराल में रहें। तो क्या दादा हुजूर और रुखसार तुम्हारे यहाँ रहने से खुश हैं? अब वो यहाँ नहीं रहते। क्या मतलब? नवाब साहब और रुखसार को नगमा का आकर इस हवेली में रहना गवारा नहीं हुआ। हमने बड़ी मिन्नत की, बड़ा इसरार किया, नवाब साहब आप यहीं रहे, हमारे साथ रहे, लेकिन वो रुखसार और उसके बच्चे को लेकर कहीं और चले गए। उसके बाद ऐसी अनहोनी हुई। अनहोनी? कैसी अनहोनी? अल्लाह रुखसार को सब्र दे। क्या हुआ रुखसार को? इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वो बेचारा बम के धमाके में मारा गया। क्या? बच्चे के साथ साथ रुखसार के अब्बा भी उस हादसे का शिकार हो गए। उन जालिम कातिलों ने सोचा था कि चारों ही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने नवाब साहब और रुखसार को बचा लिया। रुखसार और दादा हुजूर इस घर से चले गए, रुखसार का बच्चा और उसके अब्बू जान इस दुनिया से चले गए। यही प्लेजेंट सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे लेकर आई थी? यस। रुखसार घर में है? यहाँ कोई रुखसार नहीं रहती। ये मरहूम अल्ताफ अहमद साहब का घर है ना? उनके इंतकाल के बाद सरकार ने ये मकान हमें दिया है। शुक्रिया। अरे वाह, तुम्हें तो वादे के बहुत पक्के निकले ना। लाओ जी मेरा माल लाओ। ये लो। ये क्या मजाक जी? ये मजाक नहीं, कब्र तक जाने वाले अपने साथ ढाई मीटर कफनी लेकर जाते हैं, सरकारी नोट नहीं। क्या मतलब जी तुम्हारा? मतलब अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? बड़े में टैक्सी लाइए जी।
ऑपरेशन कामयाब हुआ है और पेशेंट को सुबह तक होश आ जाएगा, ओके? एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। जरूरत कैसे की? हाँ। निकल जाओ यहाँ से। निकालना ही है तो सबसे पहले इसको निकालो जी, एक नंबर का जहरीला आदमी है ये। तुम्हारे घर में नौकरानी बना को इनोचमेर को लेकर आया ना, दूध में जहर डाल को टेबल पे गिराने का ड्रामा भी इनोचमेर को करने को बोला, रुखसार भी का ब्रेसलेट भी ये शैतानी दिया ना मेरे को। तोबा, तोबा, तोबा। अल्लाह मुझे गलत करते अगर मैंने ये सब कुछ किया हो तो। नगमा बेटी, ये बेकाबू औरत है, पहले इसे रुखसार ने खरीदा था और आज इसे असलम मियां ने खरीद लिया है। कल तुझे ये जहर पिलाने आई थी और आज तेरे दिल में मेरे खिलाफ जहर उड़ेलने आई है। अरे भाई असलम मियां, इस तरह मेरी भांजी के सामने जलील करके मुझे हवेली से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हो, मैं ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस हवेली को अभी इसी वक्त छोड़ कर चला। नहीं मैं मुझे नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मेरे होते हुए आपको इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता। नगमा अब भी वक्त है, दोस्तों और दुश्मन को पहचानो वरना। नगमा मुझे लगता है हमारे खिलाफ कोई जबरदस्त चाल है। चाल तो मैं तुम्हें लोगों के बदल दूंगी, माटी मिलो। जेल भिजवा के चक्की नहीं पिसवाया तो मेरा भी नाम नहीं। तुम्हें लोग क्या जानते, मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। असलम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि चाराने में बिकने वाली औरत को खरीद कर तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने आओगे। बहुत पछताओगी तुम, देख लेना एक दिन ये दोनों तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। चलो। सुन लिया बेटी, सुन लिया। ये कमबख्त आज कैसे गई, और ये जहरीली औरत है ये बेगम। दो तीन दिन में जितना माल हाथ लगे बटोर कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी हम दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ तुम इस कुर्सी पर? जी हाँ जनाब, इस कुर्सी पर बैठते ही मैंने सारा कारोबार संभाल लिया है। मैं जानता था नवाबी खून जरूर जोश मारेगा, लेकिन वकील साहब इन्हें ये बता दीजिए कि अब इस कुर्सी से मुझे ये तो क्या इनके फरिश्ते भी नहीं उठा सकते। हाँ मैं कहता हूँ ऑल ऑफ यू गेट आउट ऑफ हियर, वरना मैं। असलम मियां ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर आपके दादा हुजूर को दे दिया गया है। आपकी सारी जायदाद नगमा के बच्चे के नाम है और नगमा ने पावर ऑफ अटॉर्नी अजगर साहब को दे दी है, अब इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और हाँ वकील साहब, इन्हें जरा वो दूसरी बात भी बता दीजिएगा। और हाँ आज के बाद आप इस ऑफिस में कभी नहीं आएंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी जान दे टोटे, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं निकल जाता हूँ। वाह नगमा वाह, तुम्हारी वफा को मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं भी तुम्हारी बेवफाई को कभी नहीं भूल सकती। कैसी बेवफाई? उस रोज जब तुम दिल्ली जा रहे थे तुमने मुझे एयरपोर्ट से ये कहकर रवाना कर दिया था कि मुन्ना घर पर अकेला है, इसलिए ना कि रुखसार तुमसे मिलने आने वाली थी। रुखसार मुझसे नहीं, अपने अबूजान से मिलने आई थी। और तुम लौटकर बाहर मुझसे मिलने आए थे? हाँ तुमसे मिलने आया था, मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट थी लेकिन जब तक मैं बाहर आया तुम जा चुकी थी। अगर फ्लाइट लेट थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया, घर क्यों नहीं आए? मगर नहीं असलम, तुम रुखसार की मोहब्बत को भुला नहीं सके, जिस औरत ने मेरी और मेरे बच्चे की जान लेनी चाहिए तुम उसी को चाहते रहे। I hate you, Aslam. I hate you. भैया आधा किलो भिंडी दे। दादा हुजूर जीती रहो।
बेटी, आज के बाद तुम काम पे नहीं जाओगी। आपकी खिदमत करने का हक मत छीनिए आप मुझसे दादा हुजूर। अगर असलम काम करते, आपकी खिदमत करते, तो क्या आप उन्हें भी काम नहीं करने देते? लेकिन बेटी, दादा हुजूर, जब से अब्बू और मुन्ना अल्लाह को प्यारे हो गए, तब से काम में दिल लगाकर उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ। दादा हुजूर, अब मेरे अब्बू नहीं रहे तो आप ही मेरे अब्बू हैं। असलम हमसे रूठ गए तो मैं ही आपके लिए असलम हूँ। अरे हाँ, देखिए तो सही दादा हुजूर, आज मैं क्या लाई हूँ। भिंडी, असलम को बहुत पसंद है ना? उसका नाम न लो हमारे सामने, जिसने तुम्हारी खुशनुमा जिंदगी को धूल में मिला दिया। ऐसा ना कहिए दादा हुजूर, इसमें असलम का क्या कसूर? उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया। अल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा। मैं खाना पकाती हूँ। दादा हुजूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटी, तू असलम के लिए रोज प्लेट लगा देती है, वो बदल गया है, वो अब नहीं आएगा। दादा हुजूर, पता नहीं क्यों मेरा दिल उनके कदमों की आहट महसूस कर रहा है। क्यों लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे, माफी हमसे नहीं, इस नेक औरत से मांग, जिसने कभी तुम्हारे जुल्म की शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। रुखसार, नहीं असलम, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। असलम, बिस्मिल्लाह। तो मुन्ना को देखा ही नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वही आंखें, वही नाक नक्शा, वही तुम्हारे जैसी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट। उसकी बहुत याद आती है असलम, बहुत याद आती है उसकी। क्या बात है मामूजान? अरे मामूजान, मामूजान, मगर मामूजान, बात क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो ये सोचकर रो रहा हूँ कि अगर तूने उस झूठी औरत की बातों पर यकीन कर लिया होता तो मैं तो जीते जी मर गया था ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि रुखसार ने असलम के दिल में तुम्हारे खिलाफ कितना जहर घोला होगा और अब भी वही कर रही होगी। बोलो किरानी, इसका मतलब है कि असलम रुखसार के पास पहुँच चुका है। मैंने कहा था ना कि शौहर के दिल से पहली बीवी की मोहब्बत कभी नहीं जाती। सोच, कुछ सोच बेटी, इस दिमागी उलझन से निकलने का कोई रास्ता सोच। अब असलम तेरा नहीं रहा। मेरी बात मानो, तुम उससे तलाक ले। हाँ, अब तलाक लेकर ही तुझे सुकून मिल सकता है। कौन? नगमा, तुम? अरे आओ, अंदर आओ, आप बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, असलम से मिलने आई हूँ, उन्हें बुलाओ। हाँ हाँ, असलम, देखो हमारे घर खुशियाँ लौट आई है। अरे जल्दी बाहर आओ। कौन है? आप लोग बैठिए ना, मैं नगमा के लिए थम्स अप लेकर आती हूँ।
इस झोपड़ी में तुम्हारा दम नहीं घुटता। असलम चलो हमारे साथ हवेली चलो। हवेली तुम्हें मुबारक हो नगमा। मैं इस घर में रुखसार के साथ बहुत खुश हूँ। इस घर की चटाई में फूलों के बिस्तर से भी ज्यादा चैन की नींद आती है, जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर में प्यार है, प्यार। तुम अपने गरीबी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो असलम। मैं तुम्हें आज और अभी सारी दौलत, कारोबार, सारी जायदाद लौटाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे। मैं तुम्हारा कब होके नहीं रहा नगमा, सिर्फ तुम मेरी नहीं हो सकी। तो फिर मेरे पास लौटाओ असलम। मैं नहीं चाहती कि तुम रुखसार जैसी गिरी हुई औरत के साथ रहो। खबरदार जो रुखसार की शान में कोई गुस्ताखी की। मेरा कहा मानो असलम, मेरे पास आ जाओ और रुखसार को तलाक दे दो। असलम, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसी का होकर रहे। ठीक है, अगर तुम रुखसार को तलाक नहीं दे सकते तो फिर मुझे तलाक दे दो। तुम जैसे बेवफा शौहर के लिए घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूं। ठीक है, जब जी चाहे तलाक ले लेना, लेकिन उस वक्त के आने के पहले मैं तुम्हारी आंखों में पड़े गलतफहमी को उस पर्दे को हटा दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें सच्चे और झूठे की पहचान नहीं है। चलो मेरे साथ। नगमा ये लो। असलम पता चला? हाँ। वो रहा, वो बैठा शराब पी रहा है ना। गंदी जबान से बेटी कहा, तुमने मुझे मेरे असलम से जुदा कर दिया, तुमने मेरी प्यारी बहन जैसी सहेली को मेरा दुश्मन बना दिया, उसकी मासूम बच्चे की जान लेते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी, उसके फूल जैसे बच्चे को तुमने बम से उड़ा दिया। कितने जलील, कितने कमीने, कितने हैवान हो तुम दोनों वैशी दरिंदों को खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, चलो ताला खोलो, हमें एयरपोर्ट जाना है। चला एयरपोर्ट नहीं कमीनो, यहाँ से तुम सीधा जेल ही जाओगे, पुलिस अभी आती ही होगी। पुलिस? नगमा सीधी तरह से ताला खोलो वरना। ताला तो पुलिस के आने के बाद ही खुलेगा। तो ठीक है, फिर हम इस डुप्लीकेट चाबी से ताला खोल लेंगे। हाँ मुन्ना रुक जाओ, अजगर है नाम मेरा, मैं दस्ता नहीं निकल जाता। चाबी मुझे दो। जल्दी मेरा बच्चा मुझे दे दो। हमें पुलिस की गोली से बचाने वाली एक मासूम ढाल है ये।
हमारे स्विट्जरलैंड जाने का वीजा है, ये वीजा हमें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, किसी ने हमें रोका, रुखसार के बच्चे को तो हमने मिट्टी में दफनाया था, लेकिन इसे मैं स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी बर्फ में दफनाऊंगा। अरे पुलिस आती हो, बंद करो इसे, मैं कहता हूँ बंद करो। कभी ना कुछ तो मेरा बच्चा मुझे दे दो। बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है। तुम बच्चा मेरे हवाले कर दो वरना। मेरे गुनाहों की कहानी, जज साहब मुझे मेरे गुनाहों की ऐसी सजा दी जाए जो आज तक कानून के तारीख में किसी भी गुनहगार को न दी गई हो। मुझे मेरे गुनाहों की इतनी संगीन सजा दी जाए जो हजारों मौत से भी बदतर हो, जिससे मेरा जिस्म ही नहीं मेरी रूह भी ता कयामत तड़पती रहे, मेरे रूह को कभी सुकून नसीब ना हो, मेरे रूह को कभी सुकून नसीब ना हो। अदालत ने नगमा की कहानी सुनी और इस मुकदमे पर गौर करने के लिए यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं जानती हूँ मेरे गुनाहों की सजा कानून के पास बहुत कम है, इसीलिए मैंने अपनी सजा खुद तजवीज की है। ये तुमने क्या किया मेरी जान? नगमा, नगमा, मेरी मौत ही मेरे गुनाहों का कफारा है रुखसार। नहीं नगमा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। असलम, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। रुक जाओ असलम। मेरी सरताज, मेरा सफर खत्म हुआ, बस चंद लोगों की मेहमान हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नगमा, नहीं, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। जा रही हूँ रे, लेकिन चंद लोगों में मुझे बहुत कुछ कहना है। ये मुन्ना है ना, ये मुन्ना, ये तेरा बेटा है रुखसार, इसे खुदा ने तेरे लिए पैदा किया है। दादा हुजूर, अपनी बेटी के गुनाह बख्श दीजिए। बेटी, तेरे गुनाह तो अल्लाह भी बख्श देगा। रुखसार, नहीं, आज मैं नंबर वन हो गई रे। मैं तुझसे पहले जा रही हूँ। और वापस Oh.